प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अल्फा इमिशन में क्या चेंजेस होते हैं वो आप देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम यूरेनियम का, यूरेनियम 92-238, ये एक आइसोटोप है। इसमें सपोज एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया, अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो उसके इमिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2 यूनिट, ये 2 कम कर दीजिए तो प्रोडक्ट का चार्ज हो गया 90। किसका एटॉमिक नंबर है? थोरियम का। और मास नंबर में क्या चेंज होंगे? 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 234। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा तो जो प्रोडक्ट एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितने यूनिट से डिक्रीज होगा? 2 यूनिट से। और मास नंबर कितने यूनिट से डिक्रीज होगा? 4 यूनिट से, ये याद रखिए। दूसरा, जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, बीटा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तब क्या होता है वो देखते हैं। अपन ले लेते हैं थोरियम 92-234, इससे एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा का इमिशन हुआ है। अब बीटा पार्टिकल चार्ज तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, मास नेग्लिजिबल है, तो जो भी एलिमेंट बनेगा उसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। 91 प्रोटेक्टेनियम इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो देखिए, जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, आपके भी दिमाग मन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो ये इसका इमिशन कैसे होगा? तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होना है तब न्यूक्लियस में जो एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये स्प्लिट हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। देखिए, जो भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में वो बैलेंस होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, इधर चार्ज कितना है 92, या प्रोटॉन का नंबर कितना है 92, यहाँ देखिए 2+90 हो गया 92, यहाँ देखिए 238 मास नंबर है, यहाँ 234+4 ये भी 238, इसको देख लीजिए एटॉमिक नंबर 90 है, यहाँ 91-1 हो गया 90, 234+0 234। तो चार्ज और मास के रिस्पेक्ट में रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ देखिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, चार्ज होता नहीं, जीरो चार्ज है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे -1, +1-1 क्या हो गया 0, वैलेंस हो गया। 1+0 क्या होगा 1। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होना है एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होगा एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो जाएगा, प्रोटॉन वही रह जाएगा। अब प्रोटॉन वही रह जाएगा इसलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। आया समझ में? फिर से देखिए, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इमिट हो गया, वो तो बाहर हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो वही रह गया, उसका इमिशन थोड़ी होता है, तो प्रोटॉन वही रहने से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया। थर्ड है, गामा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तब क्या होता है? कोई भी एग्जांपल हम ले लें, सपोज थोरियम ले लीजिए, थोरियम 92-234, इससे गामा पार्टिकल का इमिशन हुआ। अब गामा पार्टिकल जो है वो चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल है, तो यहां जो प्रोडक्ट एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या चेंजेस होंगे? पार्टिकल का तो इमिशन हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ है, मास नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, फिर कहाँ चेंज हुआ है?
तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम कैसे हो जाएगी, तो अभी हमने समझा था ना कि गामा पार्टिकल्स क्या है, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हाई एनर्जी का एक पार्टिकल निकल जाएगा तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। इसको वैसे ही सोचिए जैसे आप फुटबॉल खेलने जाते हैं, आप जा रहे हैं फुटबॉल खेलने, एक घंटा आपने फुटबॉल खेली, एक घंटे बाद क्या होगा, हम लोग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक घंटे भी फुटबॉल खेले तो। हम तो वही रहेंगे, नाम भी वही रहेगा, सब कुछ वही, लेकिन केवल क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ होता है, जब भी गामा पार्टिकल का एमिशन होता है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम हो जाती है ना। अब ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे।